हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के उदयपुर में नेचर की गोद में गुफा में बने एक ऐसे टेंपल के दर्शन कराने जा रहा हूं, जो टेंपल उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, जिसे मेवाड़ राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। इस टेंपल का नाम जामेश्वर महादेव टेंपल है। ये टेंपल उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक में झामर कोटड़ा एरिया में, जो एशिया में सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की माइन के लिए फेमस है, वहां लोकेटेड है। फ्रेंड्स, यहां के लोकल लोगों का कहना है कि यहां जामा नाम का एक चरवाहा हुआ करता था, जो गायों को चराने के दौरान गुफा में महादेव की बहुत ही भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना किया करता था। जब उस चरवाहे की डेथ हो गई तो उन्हीं जामा के नाम पर इस स्थान का नाम जामेश्वर महादेव पड़ा। मोस्टली इस टेंपल में श्रद्धालु अपने किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले मंजूरी लेने के लिए आते हैं, और यहाँ के मुख्य पुजारी जी का कहना है कि यहाँ पर हाँ या ना की दो पर्चियां बनाई जाती हैं। जिस पर्ची पर फूल आकर गिरता है वही काम सिद्ध होता है, वरना ना होने पर श्रद्धालु अपना काम पोस्टपोन कर देते हैं। टेंपल के पास एक काली माता का मंदिर भी है। एक मान्यता है कि जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़ से यहाँ आए थे तो अपनी नई राजधानी उदयपुर को बसाने की स्टार्टिंग करने के लिए काफी कंफ्यूज हो रहे थे। तब यहाँ एक संत ने उन्हें काली माँ के मंदिर से एक खरगोश का पीछा करके उसका शिकार करने की सलाह दी, और जहाँ भी वह पकड़ में आएगा वहीं से राजधानी की शुरुआत करने को कहा। फिर उदय सिंह जी ने ऐसा ही किया और इस तरह से उदयपुर शहर का निर्माण शुरू हुआ। और इसके अलावा जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद शिवलिंग, केव्स और आसपास की रॉक्स में एंशियंट अर्थ पर जीवन के कई राज छुपे हुए हैं। यहाँ 180 करोड़ साल पुरानी फॉसिल्स रॉक्स भी मिली हैं। इसी वजह से इन रॉक्स में एंशियंट लाइफ के कई साइन मिलते हैं। इन्हीं रॉक्स में रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भंडार भी हैं, जिनकी वजह से यहाँ झामर कोटड़ा में दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। जामेश्वर महादेव के मंदिर में लोग श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंदिर दर्शन के साथ यहाँ कई सारे लोग घूमने फिरने भी आते हैं, तो आप भी अवश्य इन मंदिरों में भक्ति भाव से जरूर जाएं और महादेव से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करवाएं और भगवान के दर्शन का लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर मेरी आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।